नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि म्यांमार में हाल में जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, उसी के चलते चाइना काफी ही बौखलाया हुआ है। अब सबसे पहले ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो हाल ही में चाइनीज मीडिया में से ये न्यूज आई है कि म्यांमार चाइना बॉर्डर के ऊपर चाइनीज मिलिट्री दूसरी बार लाइव फायर ड्रिल करने जा रही है। जी हाँ, एक ही महीने के अंदर दूसरी बार चाइना लाइव फायर ड्रिल करने जा रही है चाइना म्यांमार बॉर्डर के पास के रीजन में। दूसरी तरफ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है लिन जियान, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि चाइना कॉल्स ऑन ऑल पार्टीज टू स्टॉप फाइटिंग, रिजोल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन एंड इन पीसफुल मीन्स एंड अवॉइड एनी एस्केलेशन ऑफ दिस सिचुएशन। अब ये चीज उन्होंने रॉयटर्स का जो सवाल था म्यांमार को लेकर, उसके रिस्पॉन्स में कहा था चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने। तो इसी के चलते हम लोग ये समझ सकते हैं कि चाइना म्यांमार में जो परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं, उसके चलते काफी ही व्यथित है। अब ये परिस्थितियां कौन सी हैं, उसकी बात करें तो हम लोगों को जाना पड़ेगा उसके लिए अक्टूबर 2023 में। जब हम बात करते हैं अक्टूबर 2023 की, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इवेंट आती है, वो है इसराइल पर हमास द्वारा किया गया 7 अक्टूबर का हमला। लेकिन उसी महीने में एक और घटना हुई थी हमारे नेबरहुड में। 27 अक्टूबर को ऑपरेशन 1027 म्यांमार की जो एथनिक आर्मीज हैं उन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जहां पर पूरे म्यांमार में जितनी भी एथनिक आर्मीज हैं उन सभी ने एक साथ में मिलकर म्यांमार मिलिट्री हुंटा के अलग अलग ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया था। जिसके चलते पिछले काफी लंबे समय से ये खबर आ रही है कि भारत में म्यांमार से काफी सारे लोग भागकर शरण लेने के लिए आए हुए थे, जिसमें कई सारे मिलिट्री हुंटा के ऑफिसर्स भी शामिल थे जिनको वापस म्यांमार भेज दिया गया था। उसी प्रकार की एक और खबर रिसेंटली आई है कुछ ही दिनों पहले, जहां पर बांग्लादेश में भी रखाइन स्टेट में से तकरीबन 50 मिलिट्री हुंटा के सोल्जर्स भागकर शरण लेकर रह रहे। अब ये जो परिस्थिति है वो पूरे म्यांमार में खड़ी हो रही है और धीरे धीरे करके म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है उसका होल्ड कम होते जा रहा है और ज्यादातर रीजन्स पे ये जो एथनिक आर्म ग्रुप्स हैं वो अपना अपना कंट्रोल कर रहे हैं। उसी के चलते म्यांमार में कई सारे प्रोजेक्ट्स हाल में ठप हो चुके हैं या तो पॉज कर दिए गए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले भारत सितवे पोर्ट ऑपरेट करने की परमिशन दोनों ही साइड से मिल गई थी, जिसके चलते भारत अब सितवे पोर्ट पर ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक पूरे कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसके बारे में हमने आपको आगे के वीडियो में बताया था। वापस आते हैं चाइना के पर्सपेक्टिव के ऊपर, तो चाइना का भी इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट म्यांमार में चल रहा है, जो कि उसका जो एक ग्रैंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक पार्ट। उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत चाइना से म्यांमार में एंटर होते हुए म्यांमार में रखाइन में एक क्योप्यू पोर्ट है, वहां पर डीप सी पोर्ट बनाने का प्लान चल रहा है, जिसका यूज करके चाइना ये प्लानिंग कर रहा है। उसका जो यूनान का प्रोविंस है, जो कि म्यांमार से लगता है, जो कि लैंड लॉक प्रोविंस है, उसको एक्टिवेट किया जा सके और उसको एक सी पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके, ताकि उसको भी इंडस्ट्रियली और भी एक्टिव बनाया जा सके। तो उसी के चलते ये पूरा प्रोजेक्ट हाथ पर लिया गया था और म्यांमार की मिलिट्री हुंटा के साथ इसको आगे बढ़ाया गया था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ यही डीप सी पोर्ट नहीं, बल्कि उसका जो पूरा रोडवे है उसके दोनों ही साइड पर गैस और ऑयल के प्रोजेक्ट्स भी चाइना एग्जीक्यूट करने वाला है। तो इसी के चलते ये देखा जा सकता है कि चाइना म्यांमार का भी उपयोग करके अपने बेनिफिट के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा है और म्यांमार में से हो सके उतने ज्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन यहां पर जिस तरह से भारत को दोनों ही साइड से, एथनिक आर्म फोर्सेज की साइड से और मिलिट्री हुंटा की साइड से ग्रीन सिग्नल मिला है, उसी तरह से वहां पर चाइना को एथनिक आर्म ग्रुप्स की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसका जो रीजन है वो बेसिकली ये है कि अभी तक चाइना म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है उसको सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली और आर्म्स भी प्रोवाइड कर रहा था, जिसका यूज करके म्यांमार की जो मिलिट्री हुंटा है वो वहां के सिविलियंस के ऊपर हमला कर रही थी एयर स्ट्राइक्स और अलग अलग माध्यमों से। तो उसी के चलते म्यांमार की जो अलग अलग एथनिक आर्मीज हैं वो काफी ही अलर्ट हैं और इस बात को लेकर काफी ही क्लियर हैं कि चाइना को सपोर्ट करना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। तो उसी के चलते वो लोग चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यहां तक कि चाइना का जो म्यांमार में एंटर होने वाला जो बॉर्डर रीजन है उसको भी उन लोगों ने कैप्चर कर लिया है कुछ ही महीनों पहले, और अभी तक उसको चाइना ओपन नहीं करवा पाए।
उसी के चलते चाइना ये जो पूरा अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो BRI का एक पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है म्यांमार में, और उसका जो रीजन है वो एथनिक आर्म ग्रुप्स है जिसके साथ चाइना किसी भी प्रकार का निगोशिएशन नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से परिस्थितियां डेवलप होती है और क्या चाइना को ये जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल एथनिक आर्म ग्रुप्स के पास से मिलेगी या नहीं, ये मिलना बहुत ही डाउटफुल है। और अगर मिल जाता है तो चाइना के लिए इंडियन ओशन का रीजन बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते हुए ओपन हो जाएगा, और साथ ही में सिथवे पोर्ट से ये जो पर्टिकुलर डीप सी पोर्ट वाला प्रोजेक्ट है उसका डिस्टेंस सिर्फ 107 माइल है, तो ये भारत के प्रोजेक्ट के बहुत ही नजदीक में आ जाएगा। ये म्यांमार के लिए भले ही बहुत ही बेनिफिशियल हो क्योंकि दो कंट्रीज म्यांमार के पोर्ट एक्सेस के लिए और बिजनेस के लिए कॉम्पीट करेंगी, तो म्यांमार के लिए ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन चाइना के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल में भले ही वो मलाका स्ट्रेट को बाईपास कर दे लेकिन फिर भी वहां पर इंडियन नेवी की काफी बड़ी मात्रा में प्रेजेंस, तो वहां पर वो आकर फंस सकता है, ऐसी संभावना देखी जा सकती है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और क्या चाहे इन एथनिक आर्म ग्रुप्स की इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू डराकर बैकस्टेप करने के लिए मजबूर कर सकता है या नहीं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको दुनिया भर की इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।